या सो यूजर डिफाइंड फंक्शन ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं. सो हाउ मच टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, किसी को पता है कितने टाइप होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के, कौन से ये टेक्निकल है, इसलिए जिनको पता है वो बताओ, जिनको नहीं पता डोंट वरी यार, मैं हूँ यहाँ पे आपको बता दूंगा. सो व्हाट इज द टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, या कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड रिकर्जन. बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड. एनीवन एल्स, चलो कोई तो है. सर बैकग्राउंड से टीवी की वॉइस आ रही है. अच्छा सॉरी यार, रुक जा फिर एक मिनट, टीवी की वॉइस आ रही है क्या? दो मिनट रुको, मैं थोड़ा दरवाज़ा क्लोज कर देता हूँ, मम्मी देख रही होंगी. रुक जाओ. अभी कम हुआ क्या कि अभी भी आ रहा है वॉइस? वॉइस कम हो गया, बैकग्राउंड वॉइस ओके ठीक है. सो देर आर थ्री टाइप ऑफ फंक्शन, एक ही ने दिया आंसर, दैट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड रिकर्जन. तो चलो देखते, अब ये चीज टेक्निकल है, इसमें नॉन टेक्निकल चीजें नहीं है. सो फंक्शन वो भी कौन सा वाला फंक्शन, यूजर डिफाइंड, ठीक है, यूजर ने बनाया हुआ, दैट इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड, जगह नहीं है ठीक है. यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के तीन टाइप, मेनली तीन टाइप, कौन से, कॉल बाय वैल्यू, सेकंड कॉल बाय रेफरेंस, थर्ड वन इज रिकर्जन. डोंट वरी, चीजें बोलना नहीं आ रही है, जिसे समझ नहीं रही है, बट या आपको ये चीज आखिरी तक पूरा समझ जाएगा, सो डोंट वरी. और मैंने बोला था ना कि यार चैप्टर थ्री में मैं बता दूंगा कि हमारा जो फंक्शन है मेन, उसमें रिटर्न जीरो की होता है, तो आज आपको पता चलेगा, आज आपको पता चल जाएगा कि why it's return zero and क्यों बाकी कुछ नहीं लिखते, और क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखा तो चलता, कब क्या. मैंने बोला था ना, भले मैंने वहां पे स्टॉप किया था बट किया था. रिकर्सिव भी बोल सकते हो, रिकर्जन भी बोल सकते हो, सो इट्स ओके ठीक है, स्पेल में रिकर्सिव है, कोई बात नहीं. एंड थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी. सो दैट इज नथिंग बट रिकर्सिव, ओके. तो स्पेल देख लो, इन्होंने लिख दिया. अब मैं यहाँ पे गूगल या फिर बुक्स में जाके मैं कंफर्म नहीं कर रहा, बिकॉज वर्ड्स से मैं नहीं, मैं मेरा लॉजिक मेन रहे कि लॉजिक पता है क्या. ओके सो देर आर थ्री थिंग्स, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड रिकर्जन. तो हम देखेंगे फर्स्ट वन, कॉल बाय वैल्यू. ओके या रिकर्जन मीन्स प्रोसेस, और यहाँ पे प्रोसेस ही है, एक सर्टन प्रोसेस सर्टन टाइम तक चलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस, एक लेवल तक. ओके कोई इशू नहीं है. चलो फर्स्ट देख रहे हैं कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू जो है उसमें भी चार टाइप्स है. कॉल बाय वैल्यू जो है उसमें भी क्या है, चार टाइप है. कॉल बाय वैल्यू, या कॉल बाय वैल्यू के चार टाइप कौन बता सकता है? एनीवन नोज कॉल बाय वैल्यू के चार टाइप्स? चलो कोई नहीं है तो मैं बता देता हूँ. देखो सिंपल है, फंक्शन में ना रिटर्न होता है और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? रिटर्न होता है और आर्ग्यूमेंट. या देवेंद्र चलेगा बताओ. यस देवेंद्र बताओ. चार टाइप बताओ, चार टाइप. फंक्शन विथ पैरामीटर, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, गुड.
फंक्शन विथ नो पैरामीटर, फंक्शन विथ नो वैल्यूज. अरे वाह हिमांशु, बहुत ग्रेट, हिमांशु ने सब लिख दिया. अरे वाह, देवेंद्र से फास्ट तो हिमांशु निकला. अच्छा लोग टाइप कर रहे थे, अरे वाह क्या बात है, क्या, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, देखो सबको आता है. हाँ चलो बहुत बढ़िया, तो फिर मैं डायरेक्टली, मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं. चलो ठीक है, इनका लिखा हुआ आप पढ़ लो, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिकॉज जो लोग, हाँ ठीक है स्मार्ट लोग हमारे पास, पर जो लोग नहीं है ना उनके लिए अपन चलो कर लेते हैं, राइट. चलो ठीक है, ओके. सो यहाँ पे है हमारा, देर आर फोर टाइप्स. फर्स्ट वन इज, अब जो लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट. अब ये चीजें देखेंगे, ओके. फुल फॉर्म में अगर देखना है तो नीचे में लोगों ने लिखा है ना, बड़े बड़े इसमें, तो आप लिख सकते हो. सो नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट. सेकेंड वन इज रिटर्न, अभी आपके ऊपर है वो कैसे रखना है, ठीक है, ये किधर भी चल सकता है रिटर्न, बट नो आर्ग्यूमेंट. उसके बाद कर सकते हो नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट. लास्ट क्या होगा, लास्ट सिंपल, रिटर्न भी होगा और आर्ग्यूमेंट्स भी होगा. सो ये चार टाइप है, नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न भी और आर्ग्यूमेंट्स भी. तो ये चार टाइप्स को पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहला टाइप देखने वाले या रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट, करेक्ट है, ओके. चलो सो हम पहला टाइप देख रहे हैं, दैट इज नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट. अगर मैं बात बोलूं तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो हमने पहले ही जब स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट किया था और मैंने वो जो लिख दिया था, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट. चलो चीजें देखते हैं, चीजें समझते हैं और फिर समझते हैं, ओके. अगर मैंने बोला नो रिटर्न, क्या बोल रहा हूँ मैं, नो रिटर्न, तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लो, आप सिंटैक्स देख लो फंक्शन कैसे बनाते. तो फंक्शन बनाते, चलो फंक्शन बनाने के पहले वेरिएबल बनाने का तरीका देखते हैं एंड उसको रिलेट करते हैं हमारे फंक्शन से, ओके. चलो तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं सर, कुछ इस तरीके से, इंट ए मतलब क्या, एक डेटा टाइप बताते हो और वेरिएबल का नाम बताते हो, राइट. देन फिर क्या करते हो, ए इक्वल्स टू वैल्यू डालते हो, कर सकते ना, ए में क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी. देन फिर क्या करते हो, उसको यूज करते हो. सपोज मैंने उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, परसेंट डी ए को प्रिंट करा दिया. तो क्या हुआ, फर्स्ट वाला डिक्लेयर किया, सेकेंड वाला इनिशियलाइज किया, वैल्यू डालना मतलब इनिशियलाइज करना, थर्ड मतलब क्या किया, यूज किया, उसको यूज किया. सो दिस इज कॉल्ड एज थ्री स्टेप, है ना. यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल को यूज करना है, तो ये तीन स्टेप हम करते हैं. वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मतलब बताते हैं कंपाइलर को, देन वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, फिर वेरिएबल को यूज करते हैं. फंक्शन भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, फंक्शन चेंज नहीं, वेरिएबल जैसा ही है, वेरिएबल का जैसा एग्जैक्टली थिंग है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज है तो उसके तरफ ध्यान दो. सबसे पहले क्या होता है, डिक्लेयर करना, बताना किसको, कंपाइलर को बताना है ना, तो यहाँ पे भी आपको कंपाइलर को बताओगे. वेरिएबल बताते थे तो पहले डेटा टाइप बताते थे, मतलब इसका वेरिएबल का सिंटैक्स क्या था, फर्स्ट वन इज डेटा टाइप, है ना, देन वेरिएबल नेम. अब यहाँ पे छोटी जगह है, सो वेर नेम, वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन. सेम चीज अगर आप यहाँ पे भी देखोगे फंक्शन के डिक्लेरेशन के वक्त, तो फंक्शन डिक्लेरेशन भी वैसे ही होता है, पहले आपको बताना पड़ता है डेटा टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेटा टाइप, नेक्स्ट होता है, या फिर रिटर्न टाइप भी बोल सकते हो आप उसको, नेक्स्ट होता है फंक्शन का नाम, नेम ऑफ फंक्शन कुछ भी दे सकते हो, जैसे वेरिएबल नेम था वैसे नेम ऑफ फंक्शन या नेम ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते थे उसको, ओके. वेट अ सेकेंड, ये चैट बॉक्स आपका साइड में आ गया. सो डेटा टाइप, देन नेम ऑफ फंक्शन, देन यहाँ पे ये वेरिएबल है, सो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर वो फंक्शन रहेगा तो आपको राउंड ब्रेसेस दिखेंगे, क्या दिखेंगे, राउंड ब्रेसेस, ओके. देन आप यूज करते थे टर्मिनेशन, सो आप यहाँ पे भी कर सकते हो टर्मिनेशन. सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, सर थोड़ा दिखा दो ना. तो चलो ठीक है, void, data type में void लिख लिया, name, my function है तो मैंने लिख दिया my fun, that is my function, name of function and terminate. तो एक डिक्लेयर किया कि भाई मेरे को एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम my fun है और जिसका रिटर्न टाइप void है. क्या करता है void अभी फिलहाल कुछ नहीं पता, ओके.
नेक्स्ट नेक्स्ट होता है क्या? नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। आपके इसमें क्या दिख रहा है? इनिशियलाइजेशन दिख रहा है ना। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। यू कैन सी इनिशियलाइज मतलब वैल्यू डालना कि वो उसमें क्या चीज है। सेम चीज यहाँ पे तो बताना पड़ेगा ये फंक्शन क्या करेगा। यहाँ पे तो फंक्शन है पर वो क्या करेगा नहीं पता चल रहा। सो दैट इज नथिंग बट हम लिखना पड़ेगा माई फन। राइट, माई फन लिखेंगे और क्या करेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे सेम चीज वॉइड डेटा टाइप भी रहेगा, जैसे कि तैसा लिखना। बस यहाँ पे इधर सेमीकोलन नहीं रहेगी, यहाँ पे सेमीकोलन थी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगी। नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस रहेगा और उसके अंदर रहेगा जो कोड आपको डालना है वो सारा का सारा कोड यहाँ पे आपके इधर प्रेजेंट रहेगा। सो दैट कोड इज नथिंग बट आपका टास्क और वो करेगा माई फंक्शन। थर्ड आप करते थे यूज, तो कैसे करते थे? डायरेक्टली वेरिएबल का नाम कॉल करते थे। सेम चीज अगर आपको फंक्शन को यूज करना है तो आप फंक्शन का नाम कॉल करेंगे। सर कैसे? कुछ इस तरीके से डायरेक्टली फंक्शन का नाम आप कॉल कर सकते हो। जैसे फंक्शन का नाम है माय फन, तो आप करोगे माय फन राउंड ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एंड टर्मिनेशन। तो ये तीन स्टेप्स में भी फंक्शन बनाया जाता है, जैसे हम वेरिएबल बनाते थे वैसे। फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकेंड इनिशियलाइजेशन, थर्ड यूज। सेम चीज, फर्स्ट डिक्लेयर करो फंक्शन को, सेकेंड बताओ वो फंक्शन क्या करने वाला है कोड डाल के, थर्ड फंक्शन को कॉल करो। तो सेम चीज है, फंक्शन को भी तीन तरीके में बनाया जाता है, तीन स्टेप में बनाया जाता है, जैसे वेरिएबल को हम बनाते थे। चलो देख लेते हम आगे यहाँ पे। तो देखो अब ये तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ कर दिया, तो चलो मैं जो चीज बताया था वो चीज, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ और आपके लिए फ्रेशली एक फंक्शन बनाता हूँ जो नो रिटर्न रहेगा और नो आर्ग्यूमेंट्स रहेगा। नो रिटर्न अगर रहा तो आंख मूंद के लिख लोगे वॉइड। नो रिटर्न बोला बिकॉज यहाँ पे इतने जितने भी डेटा टाइप्स है उन सभी डेटा टाइप में से इकलौता एक डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड एज वॉइड, जो रिटर्न नहीं करता। यह रिटर्न नहीं करता का मीनिंग क्या है? अगर आप इंट फ्लोट डबल मतलब वॉइड छोड़ के कोई भी डेटा टाइप लिखते हो और आपका कोई फंक्शन है तो आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा रिटर्न। अब ये क्यों क्या तो बाद में पता चलेगा, बट आपको ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर आप ये कीवर्ड, ये नंबर नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा आप अगर इंट को सॉरी वॉइड को छोड़ के कुछ भी लिखते हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना कंपलसरी है। ओके, वाई सर? बिकॉज ये रिटर्न करते, ये सारे डेटा टाइप रिटर्न करते। रिटर्न का मीनिंग क्या है अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा, अभी के लिए पॉज कर लो। सो void इकलौता एक डेटा टाइप है, अगर मैंने void लिखा तो मुझे ये रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट है ये लिखने की जरूरत नहीं है। सो याद रखना अगर void है पहला वाला टाइप चल रहा है तो पहले वाले टाइप में क्या था? नो रिटर्न। सो void लिखेंगे। नेक्स्ट नो आर्ग्यूमेंट। नो आर्ग्यूमेंट का मीनिंग है ये राउंड ब्रेसेस खाली दिखेंगे, इसके बीच में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर ये empty है that is called as no arguments, there is called as no argument, no return, no argument. So this is called as no return, no argument. अब ये चीज क्या है? जब argument आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल no return, no argument. Okay. यहाँ पे मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ function को declare करता हूँ। Declare करना मतलब सिर्फ बताना। Compiler को बोला अच्छा ये एक function है void my fun, ये एक मैं बनाने वाला हूँ। कंपाइलर ने देखा अच्छा आप ये फंक्शन बनाना चाहते हो जो रिटर्न नहीं करता और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। बोला ठीक है। फिर मैं बोला कि ये देखो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा मैं बता देता हूँ। तो वो कहाँ पे बताएंगे हम? मेन के नीचे। मेन के ऊपर डिक्लेयर करना, मेन के नीचे बॉडी देना। क्या बॉडी देना? कि वो करेगा क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कि माय फन जो है ये जो फंक्शन है ये एडिशन करेगा। क्या करेगा? दो नंबर का एडिशन। तो इसके अंदर दो वेरिएबल बना देता हूँ, ए कबा भी एडिशन तो आता है ना आपको, और मैंने कर दिया प्रिंट एफ सॉरी प्रिंट एफ डबल कोट्स एंड परसेंट अरे परसेंट डी एंड परसेंट डी अरे यार क्या लिखना पड़ेगा पहले इंटर एनी अरे यार एनी टू नंबर हाँ एनी टू नंबर देन यूजर से दो नंबर मांगेंगे कैसे लेंगे स्कैन एफ डबल कोट्स परसेंट डी एंड कॉमा एम परसेंट ampersand of a comma ampersand of b। दो होने के बाद हम क्या करेंगे? उस चीज को प्रिंट कराएंगे, मतलब उस चीज को क्या करेंगे? एडिशन कराएंगे और उसको प्रिंट भी कराना है ना। हाँ बराबर। सो यहाँ पे कर देंगे सम, बिकॉज़ हम सम कर रहे इक्वल्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वैल्यू
न्यू लाइन या न्यू लाइन कॉमा ए प्लस बी, सो दैट्स नथिंग बट अ सम। तो ये जो फंक्शन है इसका फंक्शनलिटी क्या है, ये क्या करने वाला है? अभी ऊपर में तो पता नहीं चला, जब डिक्लेयर कर रहे तो पता नहीं चला, बट जैसे उसके अंदर कोड आ गया तो हमें पता चल गया इसका टास्क क्या है। इसका टास्क है एडिशन करना, यूजर से दो नंबर लेना और एडिशन करना। अब ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि वो क्या करने वाला है, बट मैंने उसको कॉल ही नहीं किया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो मैंने बताया था। अगर आप कॉल नहीं करते हो तो उसका आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब आप कॉल करोगे। तो कैसे करना है कॉल? फंक्शन का नाम विथ सेमीकोलंस, सिंपल। यू कैन सी माय फन, और उसको कॉल कर दिया। डिक्लेयर करना, बताना कि वो फंक्शन क्या करेगा, और उसको कॉल करना। तो इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हो, जैसे वेरिएबल बनाते थे। यू कैन सी इंटर टू नंबर्स, तो यहाँ पे मान डाल दिया 22 प्लस 1, सम इज 23। करेक्ट, मतलब ये फंक्शन काम कर रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि ये चीज इंट ए फिर उसमें वैल्यू, तो हम कभी ऐसा तो करते ही नहीं ना कि पहले वेरिएबल बनाते फिर वैल्यू डालते, अपन कैसे करते? चलो देख लेते। हम कभी ऐसा किया ही नहीं, हम मतलब आपने भी नहीं किया कि भाई मैं पहले वेरिएबल बनाऊंगा, सपोज ए बनाऊंगा, देन उसके बाद ए इक्वल्स टू 10। हम कैसे करते? हम ऐसा थोड़ी करते। हम कैसे करते? जहां बना रहा हूँ वहीं पे मैं को वैल्यू अगर डालना है तो वहीं पे डाल दूंगा। इंट ए इक्वल्स टू 10, मतलब जहां डिक्लेयर कर रहे थे, मतलब इसके पहले क्या था, डिक्लेरेशन अलग और इनिशियलाइजेशन अलग, तो हम क्या करते हैं, जहां डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं इनिशियलाइज कर देते। सेम चीज जो इसके पहले किया था मैंने, आप जहां डिक्लेयर कर रहे हो फंक्शन को वहीं पे आप इनिशियलाइज कर दो, क्या इशू है? चलेगा ना, वहीं पे पता चल जाएगा कंपाइलर को, अच्छा ये फंक्शन है और उसका बॉडी भी है, हाँ मतलब वो कुछ करने वाला है। वो पढ़ेगा नहीं, वो कब पढ़ेगा? जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, बिकॉज पढ़ के रख के करेगा क्या। सो ऐसा भी आप कर सकते हो, जहां डिक्लेयर कर रहे हो फंक्शन वहीं पे उसकी बॉडी, इसको बोला जाता है दैट इज राउंड ब्रेसेस कॉल्ड एज बॉडी, इट इज कॉल्ड एज बॉडी। बॉडी के अंदर होता है कोड, लाइन ऑफ कोड जो ये फंक्शन करने वाला है। सेव करें, फिर से रन करें तो सेम आउटपुट मिलेगा, देर इज नो चेंज। बस हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेरेशन और जो डेफिनेशन है उसको एक ही साथ लिख दिया। सपोज 22 और फिर से 1 ही डाल रहा हूँ, सो सम इज 23। या सो दिस इज नथिंग बट अ नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट वन, देर इज नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। इस चीज को मैं कट कर रहा हूँ, डाल देता हूँ यहाँ पे। No return, no args. args means arguments. तो first है ये। Code भी डाल देता हूँ। So this is first. Second one is कुछ भी ले लो, no return, no argument या फिर argument return, जो लेना है वो ले सकते हो। तो ले लेते हैं return, because सबकी curiosity होगी कि भाई वो return का meaning नहीं समझा। Return but no args, हाँ जो लोग भी रात में मेहनत कर रहे हैं ना उनको कभी ना कभी फायदा होगा, सो डरो मत, ये चीज का आपको फायदा होगा। आप मोबाइल डेवलपमेंट में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, तो इसका फायदा होगा, डरो मत। ओके, अच्छी बात है, बिकॉज फ्यूचर जो है वो चेंज होने ही वाला है, प्रोग्रामिंग की तरफ ही जाएगा, सो प्लस पॉइंट है। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट, मतलब रिटर्न करेगा, हमारा फंक्शन जो है रिटर्न करेगा। नो रिटर्न मतलब void data type use करना है, पर return बोल दिया तो void को छोड़ के कोई भी data type use कर सकते हो। मैं यहाँ पे int use कर रहा हूँ, आप float, char, double कोई भी use कर सकते हो। सर ये है क्या? Suppose मैं फिर से कर रहा हूँ my fun, और ये जो function है ये करेगा, अब इसको compulsory, इसको क्या करना compulsory, return। अब ये return करेगा मतलब क्या, return मतलब return keyword के सामने उसका बोलने का बोल ही क्या रहा है, return करो, क्या return करो, अरे जो भी कुछ आगे में रहेगा, मैंने सपोज 22 लिख दिया तो ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा रिटर्न। सर कहाँ रिटर्न? जहाँ पे फंक्शन कॉल है, जहाँ पे भी इसको कॉल करो, जैसे यहाँ पे इसको कॉल करो माय फन, ओके माय फन अपने कॉल कर दिया, और यहाँ पे वो चीज क्या होगी, 22 रिटर्न हो के आएंगी, मतलब इसके जगह पे 22 आएगा। अच्छा सर ठीक है, चलो रन करके देखू क्या, हाँ चलो देखते हैं। अच्छा मैंने ओपन किया पर क्लोज नहीं किया शायद, कमेंट को हमेशा क्लोज करो, सेव एंड Now there is no error. देखो कोई आउटपुट ही नहीं आया, जबकि मैंने इस बार फंक्शन को भी कॉल किया।
अरे भाई फंक्शन को तो कॉल की, ये वैल्यूज भी आई है यहाँ पे, पर उसको होल्ड नहीं किया सर। होल्ड इन द सेंस, अब मैं एक इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो रिटर्न का मीनिंग है कि जहाँ पे फंक्शन आपने कॉल किया है, यहाँ पे किया है, तो इस प्लेस पे ये वैल्यू रिटर्न आएगी। मतलब इसको हटा के क्या आने वाला है, 22 आने वाला है। तो वह 22 यहाँ पे है, पर उसको किसी ने होल्ड किया क्या सर? होल्ड मतलब, अरे भाई अगर कोई वेरिएबल होता तो ये वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाती, फिर बाद में फर्दर हम ए को प्रिंट कर सकते थे, राइट? ए को अगर मैं प्रिंट करा दूँ, अरे यार परसेंट डी देन बड़ा तामझाम है, तो मुझे पता चलेगा कि ए के अंदर 22 है, बट डायरेक्टली फंक्शन को लिख दू तो ये जो 22 है कौन, कोई होल्ड कर रहा है क्या? नहीं। तो चलो इस चीज को पहले होल्ड करवाएंगे, फिर से एक बार मैं बताऊंगा, सो डरो मत, उस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम रख दिया डेटा। अरे कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने बोला जो भी डेटा फंक्शन के अंदर है वो डेटा इस वेरिएबल में रख दो। अब वो डेटा लिखो या फिर ए लिखो चलेगा, ये एक वेरिएबल है। वो वेरिएबल क्या किस लिए यूज करो? बिकॉज फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है, उसको हम रखेंगे किसके अंदर रखेंगे, इस ए के अंदर रखेंगे सर। मतलब सिंपल सा फंडा है यार, ये जो 22 नंबर है वो इस जगह पे लिख के आ रहा है 22, उसको हमने किस में असाइन कर दिए, ए में। मतलब ये जो भी डेटा रिटर्न कर रहा था अब ए में है, अब उसको प्रिंट करा लो। प्रिंट करा लो इन द सेंस, प्रिंट कैसे कराते हैं, प्रिंट एफ से। तो यहाँ पे प्रिंट कराओ, यूज करो जो करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा देता हूँ परसेंट डी कॉमा ए, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है हमें प्रिंट होते हुए दिखेंगे। ए के अंदर वैल्यू कहाँ से आई, फंक्शन से आई सर, कहाँ से आई, फंक्शन से। चलो करते सेव और रन करके देखते 22 आया क्या। थोड़ा मन में उठ रहा होगा, अरे 22 ही प्रिंट करना था तो सर डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर डाल देते थे, ऐसा क्यों किया? नहीं यार ऐसा नहीं होता, यूजर जो भी कुछ कर रहा है वो प्रोसेस के ऊपर भी हो सकता है ना, अभी सिर्फ समझाने के लिए। तो रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, रिटर्न का मीनिंग है कि जो भी वैल्यू रिटर्न के सामने लिखी है वो रिटर्न होती है मेन फंक्शन के अंदर, जहाँ पे आपने फंक्शन का कॉल किया है, जहाँ पे फंक्शन का कॉल वहाँ पे वो वैल्यू आएगी। सो याद रखना रिटर्न के सामने लिखा हुआ कोड रिटर्न होता है जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करते हैं, और उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। सर वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, यस कुछ भी रख सकते हैं, बट याद रखना उसी टाइप का होना चाहिए सर। टाइप, अरे फंक्शन का टाइप है ना, क्या टाइप है, इंट टाइप में है। मतलब ये किस टाइप में रिटर्न करने वाला है, इंटीजर, इसीलिए मैंने ए को इंट टाइप का लिया है। अगर ये जो फंक्शन है सपोज कैर टाइप में रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, सपोज यहाँ से एक कैरेक्टर रिटर्न कर देते हैं, क्या कैरेक्टर रिटर्न कर दू, सपोज एक्स रिटर्न कर रहा है, तो ये जो एक्स है इसको होल्ड करना है, तो ये जो ए है वो इंट टाइप का मत रखो, कैरेट टाइप का रखो, बिकॉज वहां से कैरेक्टर आने वाला है, तो वो जो एक्स है वो इस ए में सेव होगा। और अगर उसको प्रिंट भी करना है तो परसेंट सी एंड यहाँ पे, अच्छा ए ही तो है, परसेंट सी नहीं लाउन दिन, लाउन दिन परसेंट सी, हाँ ठीक है परसेंट सी एंड यस अगेन सी एक्स, बिकॉज यहाँ से हमने पास किया। याद रखना रिटर्न टाइप के अप्रोप्रिएट ही आप वेरिएबल रखोगे, अदरवाइज आपका डेटा वैनिश हो जाएगा या फिर कुछ गार्बेज वैल्यूज आ सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न, बिकॉज रिटर्न कीवर्ड लगता है, वॉइड डेटा टाइप छोड़ के कोई भी डेटा टाइप लगाओगे तो रिटर्न एंड वैल्यूज रिटर्न होगी। नो आर्ग्यूमेंट बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो एम्प्टी है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नो आर्ग्यूमेंट। ये समझाए, एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, देयर इज लेस देन 10 मिनट्स, यू हैव 10 मिनट्स, बाकी का कल वाले इसमें देखेंगे, बट इस वाले बिकॉज स्लो चलो, फंक्शन में प्रॉब्लम होती है लोगों को। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एक बार फिर से समझा, कोई बात नहीं है, थोड़ा डिफरेंट वे में समझा देता हूँ। देखो ये फंक्शन है, ओके ठीक है, ये ऐसा समझो कि आप कोई बर्थडे पार्टीज में जा रहे हो,
और वो लोग अगर आप कुछ आप जाते हो तो वहां से हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना। तो वो रिटर्न गिफ्ट है, वो मतलब अगर फंक्शन को आप यूज कर रहे हो तो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा जो भी रिटर्न कीवर्ड के सामने लिखोगे, जो भी कुछ। अब वो ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखो ये आपका है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा फंक्शनलिटी करके, वो तो लॉजिक पे कि आप कैसे कर रहे हो। जैसे यूजर से हमने मांग लिया इंटर एनी नंबर, यूजर ने नंबर डालेगा, जो भी नंबर है मैं उसका क्यूब रिटर्न करना चाहता हूँ। क्या रिटर्न करना चाहता हूँ? क्यूब, मतलब यूजर जो भी नंबर डालेगा उसका क्यूब रिटर्न करूंगा। तो ये देखो यहाँ पे इंट लिख दिया मैंने, अच्छा सॉरी, पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर में करूंगा, बिकॉज यूजर इंट में, यूजर नंबर डालने वाला मतलब इंटीजर वैल्यू डालने वाला है, तो उसको सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया पी। ओके, यूजर कुछ जो भी डालेगा वो पी में मैं होल्ड करूंगा, ये वेरिएबल है। तो यूजर से वैल्यू लेना पड़ेगा ना वो पी में रखने के लिए। सो क्या करूंगा मैं, परसेंट डी एंड कॉमा एम परसेंट ऑफ पी टर्मिनेट, और क्या करेंगे उसका क्यूब करना है। तो मैं ना यहाँ पे प्रिंट ना करते हुए, मतलब यहाँ पे प्रिंट ना करते हुए मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कराऊंगा। सर रिटर्न इन द सेंस यहाँ पे करा दो ना, क्यूब करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी इंटू पी 3 बार है ना। क्यूब अगर निकालना है कोई भी नंबर का तो 3 टाइम उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है, क्यूब मिल जाता है। स्क्वायर का बड़ा भाई, दैट इज नथिंग बट क्यूब। अब ये जो क्यूब है, अब पता है कि आपको क्या होने वाला है? नहीं, जो भी यूजर डालेगा जो भी नंबर रहेगा उसका क्यूब बनेगा। तो क्यूब किस टाइप में हो सकता है, इंट टाइप में, तो इसलिए मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। अब यहाँ पे क्यार नहीं चल सकता, इंट। अगर ये फंक्शन इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करने वाली है तो ये वेरिएबल भी इंट में ही रहेगा जो होल्ड कर पाएगा। यू कैन सी ये इंट में देगा, जो भी क्यूब रहेगा वो ए में सेव होगा और उसको हम प्रिंट करा देंगे। सो इंटीजर है इसलिए डेसिमल एंड रन, यू गेट द थिंग कि ये क्यूब है। यूजर से नंबर मांग रहा है, सो 2 का क्यूब कर निकाल के देखते हैं। सो 2 एंड यू कैन सी क्यूब ऑफ 2 इज 8। सो दैट इज द थिंग, आप कैसा भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से यूज करना है, इट्स ऑन यू। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? सिंपल है, जो भी था आंसर 8 वो इस जगह पे आया और वो वैल्यू ए में असाइन हो गई, वो वैल्यू ए में असाइन हो गई। समझा? यश ने बोला यस, समझा सर। ये इसलिए रख रहा हूं बिकॉज बाद में मैं आपको पूछूंगा, दैट्स व्हाई। Anyone have any question? जो भी कुछ है आप पूछ सकते हो। हर्ष सेज नो सर। Himanshu says no. Anyone else? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक है। लेस देन 1 मिनट इज देयर, एनीवन हैव स्टिल क्वेश्चन? आप पूछ सकते हो और अकेले में भी पूछ सकते हो। एचटीएमएल सीएसएस के बैचेस चालू होंगे ऑनलाइन, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड योर वीडियोस। गेट सीएच कब यूज करते हैं? गेट सीएच हम यूज करते हैं जब हमें चीज को रोकना है, फंक्शन को रोकना है, तब अदरवाइज वो चला जाएगा, एग्जीक्यूट होके भाग जाएगा, दैट टाइम हम गेट सीएच यूज करते हैं। टर्बो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा। गेट सीएच, गेट सीएच का मीनिंग भी है गेट द कैरेक्टर। जब तक यूजर कीबोर्ड में से कोई भी की को प्रेस नहीं करता, कोई भी एक की को प्रेस नहीं करता वो तब तक रहेगा।
जैसे यूजर उस की को प्रेस कर देगा वो चला जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज गेट सीएच। अगर कॉलेज की बात करो तो कॉलेज वाले बोलेंगे होल्ड करने के लिए, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, नहीं हाँ बोल सकते हो एज अ फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो, बट अगर आप स्कैनर भी लगाओगे तो भी वही बात होगी भाई, कुछ भी वैल्यू डालो वो स्कैनर लेके रहेगा, तो उसी का छोटा पार्ट है गेट सी एच। गेट सी एच क्या मिलेंगे, गेट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर गेट करता है, सो दैट्स व्हाई गेट सी एच। पर वो यहाँ पे यूज नहीं होता, टर्बो सी अगर यूज करो गेट सी एच डालना पड़ेगा। ओके गाइस गुड नाइट, लेस देन 1 मिनट सर, गुड नाइट शबागेर। यस सर होल्ड करने के लिए ही बताया था हाँ, पर वो उसका एक्चुअल यूज वो नहीं है, वो गेट कैरेक्टर्स के लिए होता है। ओके गुड नाइट गाइस, लव यू ऑल, सी या कल मिलता है।